जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परचेज वाउचर के बारे में। इसके बारे में परचेज वाउचर के बारे में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी शॉर्टकट की F9 होती है, यानी कि जब हम वाउचर में जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास पेमेंट वाउचर ओपन होकर के आता है, लेकिन हमको वाउचर में कौन से वाउचर में एंट्री करनी है, परचेज वाउचर, तो इसके लिए F9 बटन प्रेस करना होता है। करा कि जब हम अपने सप्लायर से गुड्स या सर्विस खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हमको परचेज वाउचर में करते हैं। और ये गुड करा कि यह गुड्स चाहे कैश परचेज किया जाए या फिर उधार, और दोनों ही कंडीशन में हमें उसकी एंट्री परचेज वाउचर में ही करनी होती। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जब हम अपने सप्लायर से गुड्स या सर्विस खरीदते हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट अगर हम अपने सप्लायर से खरीद रहे हैं तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, परचेज वाउचर में करेंगे। और कह रहा है कि चाहे हम गुड्स खरीदें या सर्विस खरीदें, मतलब उससे नहीं, अगर वो हमारे बिजनेस का सप्लायर है और उससे हम सामान खरीद रहे हैं या तो गुड्स खरीदें या सर्विस खरीदें, तो उस केस में उसकी एंट्री हमको परचेज वाउचर में करना होता है। और दो कंडीशन में कह रहा है कि या तो कैश से परचेज किया जाए या फिर उधार से परचेज किया जाए। जैसे मान के चलिए कि अगर नगद खरीदने की बात आती है तो उस समय कैश की बात होती है और उधार की बात आती है, तो दो कंडीशन, अगर जैसे मान के चलिए कि उधार भी खरीदते हैं चाहे नगद खरीदते हैं, दोनों ही कंडीशन में हमको एंट्री इसका करना होता है किस वाउचर में, परचेज वाउचर में। क्लियर हुआ? अब देखिए इसमें लिखा है कि परचेज वाउचर में एंट्री 3 मोड में की जाती है। कितने मोड में? 3 मोड में। यानी कि इसमें जो है मोड आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अभी तक तो मात्र हम लोगों ने दो ही मोड देखा था, एक सिंगल एंट्री मोड और एक डबल एंट्री मोड। लेकिन जब हम परचेज वाउचर की एंट्री करना स्टार्ट करेंगे तो इस केस में इसकी मोड कितनी हो जाती है, 3 मोड हो जाती है। और 3 मोड में कौन कौन सा, तो फर्स्ट इसमें दिया है आइटम इनवॉइस मोड, और सेकंड दिया है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, और थर्ड दिया है एज वाउचर। ये 3 मोड में इसकी एंट्री करना होता है, आइटम इनवॉइस मोड में, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में और एज वाउचर मोड में। ये 3 मोड में इसकी एंट्री करना होता है। लेकिन कैसे समझेगा आदमी कि मतलब किस वाउचर में कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे, तो इसमें दिया हुआ है जैसे एज ए वाउचर मोड में कब रिकॉर्ड करेंगे, एज वाउचर मोड में हम कब रिकॉर्ड करेंगे, तो इसमें लिखा है कि इस मोड का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें इन्वेंट्री गुड्स रिकॉर्ड न करना। जैसे मान के चलिए इसमें कह रहा है सबसे पहले कि एज ए वाउचर मोड में करा है कि इस मोड का प्रयोग ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें इन्वेंट्री यानी कि गुड्स रिकॉर्ड ही न हो। जैसे कुछ गुड्स का नाम ही ना दिया हो, ऐसे लिखा हो कि परचेज गुड्स 2000, परचेज गुड्स फॉर 2000 या 20,000, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और ये मैं ऑलरेडी आपको जनरल वाउचर में पढ़ाया भी है। इसमें लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन में लिखा है कि जैसे इसमें ट्रांजेक्शन दिया है, कह रहा है कि इस मोड का प्रयोग हम तब करते हैं जब रिकॉर्ड ना हो किसका, गुड्स, कोई रिकॉर्ड ही ना हो कि क्या प्रोडक्ट खरीदा गया, कोई रिकॉर्ड ही ना हो कि कौन सा स्टॉक आइटम खरीदा गया, कौन सा गुड्स खरीदा गया, कौन सा सर्विस खरीदा गया, तो उसके लिए एज ए वाउचर मोड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, एज ए वाउचर मोड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें ट्रांजेक्शन दिया है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 और परचेज गुड्स फॉर RS 20,000 ऑन कैश विथ इनवॉइस नंबर 01। यानी कि कह रहा है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन भी दे रखा है कि 2 अप्रैल 2021 को परचेज किया गया गुड्स और कितने रुपए से, 20,000 रुपए से, और कैश के माध्यम से परचेज किया जाए। तो देखिए इसमें गुड्स का नाम दिया है, नहीं दिया, वैसे सिंपली लिखा हुआ है परचेज गुड्स, यानी कि परचेज गुड्स। अब क्या गुड्स परचेज किया गया, गुड्स का नाम तो आपको पता है नहीं, तो इस केस में इस मोड में हम एंट्री करेंगे किसमें, एज ए वाउचर मोड में, एज ए वाउचर मोड में। अब देखिए इसमें दो ऑप्शन आता है, इसमें दो कितने खाते बनेंगे, इसमें दो खाते बन जाएंगे। इसमें एक तो आपका परचेज लोकल के नाम से बन जाएगा क्योंकि लोकल में ही परचेज हो रहा है, और एक आपका बन जाएगा क्या, कैश। तो परचेज अकाउंट कौन सा अकाउंट है, परचेज अकाउंट एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट में आता है, और परचेज अकाउंट को किया जाता है डेबिट, और कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट है, और कैश जा रहा है इसलिए कैश को हम कर देंगे क्रेडिट। तो इसमें दो ही अकाउंट बनेगा, एक आपका कैश का बन जाएगा और एक आपका परचेज लोकल का।
अरे मैंने 20,000 रुपया दिया तो उसके बदले में मैंने कुछ वस्तु प्राप्त किया, चाहे कुछ गुड्स मैंने खरीदा, लेकिन गुड्स का नाम हमको पता नहीं, बस यही ट्रांजेक्शन आपका कह रहे हैं। और किस डेट को खरीदा गया, तो 2 अप्रैल 2021 को खरीदा। लोकल में परचेज हो रही है ना, परचेज लोकल में हो रही है ना, तो इसलिए परचेज लोकल ही बनाया गया। अब चलिए, अब यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे समझिए। सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं, अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं। परचेज गुड्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परचेज गुड्स भी बना सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा। देखिए चलिए, सबसे पहले यहाँ पे कंपनी ओपन करते हैं। चलिए यहां से हम कंपनी ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव एंटर करेंगे, डी ड्राइव सेलेक्ट करेंगे, इसमें ले लेंगे 11 AM। अब देखिए इसमें करना क्या है, अब यहाँ पे आ जाना है। सबसे पहले कहाँ पे, बाउचर में, और बाय डिफॉल्ट हमारा पेमेंट बाउचर खुलता है, लेकिन हमको किस फॉर्म में, किस बाउचर में करना है एंट्री, परचेज बाउचर में। तो इसके लिए शॉर्टकट की F9 बटन प्रेस करेंगे। अब इस मोड को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो मोड को चेंज करने के लिए कंट्रोल एच दबा दीजिए, और कौन सा मोड लेना है, एज ए वाउचर मोड। अब देखिए इसमें पूछ रहा है सबसे पहले कि सप्लायर इनवॉइस नंबर बताइए, तो 01 है। सप्लायर इनवॉइस नंबर में क्या लिखा हुआ है, 01 लिखा हुआ है, 01 भर देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है सबसे पहले क्रेडिट किस अमाउंट को करना है, तो कैसे खरीदा जा रहा है, कैश से खरीदा जा रहा है, तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और कितना रुपए से, 20,000 रुपए से। यहाँ पे हम भर देंगे कितना रुपया, 20,000 रुपया। यहाँ पे ध्यान से देखिए, बात नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ अमाउंट में 24,25,445, जिसमें से मैंने 20,000 रुपए का कुछ गुड्स मैंने खरीद लिया, तो ये पैसा माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा। हाँ, क्योंकि हमारे बिजनेस में जैसे कैश है, तो कैश हमारे यहाँ से जा रहा है, और कैश एक प्रकार का रियल अकाउंट है, और इसमें रियल अकाउंट का रूल है कि जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको हम करते हैं क्रेडिट, और जो धन वस्तु व्यापार में आए उसको हम करते हैं डेबिट। इसलिए जा रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए इसमें कितना अमाउंट बच जाएगा, 24,05,000 रुपया बच जाएगा। अब देखिए परचेज किया जा रहा है ना, तो अल्ट सी से यहाँ से हम बना लेंगे क्या, परचेज लोकल भी बना सकते हैं या परचेज गुड्स भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हो जाएगा परचेज, परचेज परचेज अकाउंट, कंट्रोल दबा दीजिए। आइटम का नाम तो पता है नहीं, इसको भरने का कोई आवश्यकता नहीं है, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। पहला कंडीशन खत्म हो गया, पहला ट्रांजेक्शन मैंने कंप्लीट कर लिया। कैसे देखेंगे कि ट्रांजेक्शन सही है कि गलत है, तो बैक आइए, स्केप से बैक आ जाइएगा, और स्केप से बैक आने के बाद सबसे पहले आना है आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, और यहाँ पे आ जाना है डेबिट पे, और यहाँ से ले लेना है क्या, परचेज वाउचर। देखिए सबसे नीचे दिया हुआ है, इसको ओपन कर लीजिए, और यहाँ से आप डिटेल देखिए, सप्लायर इनवॉइस नंबर में मैंने 01 भरा है, और कैश से ही क्रेडिट हो रहा है, कैश से ही खरीदा जा रहा है, तो कैश को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और कितने रुपए से, 20,000 रुपए से। तो देखिए कैश में टोटल बैलेंस था 24,25,000 रुपये, 24,25,445 रुपये, जिसमें से मैंने 20,000 रुपये से कुछ गुड्स मैंने खरीदा, तो शेष बैलेंस जो अभी हमारे पास कैश में बचा हुआ है करंट में, वो दिखा रहा है कि 24,05,445 रुपये बचा हुआ है। और चूंकि परचेज ही किया जा रहा है, और परचेज एक प्रकार का डेबिट हो जाएगा, और इसलिए इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट करा लेंगे, हो जाएगा। अब देखिए इसी के बेस पे सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, देखिए इसमें बताया भी है कि क्रिएट ए न्यू लेजर परचेज लोकल अंडर में क्या रखेंगे, परचेज अकाउंट, और फिर कह रहा है कि गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, वाउचर ओपन करेंगे, और परचेज वाउचर के लिए F9 और कंट्रोल प्लस यच, और एज ए वाउचर मोड को सिलेक्ट करेंगे। और इसमें बता रहा है कि क्रेडिट में किसको रखेंगे, कैश को रखेंगे, और उसकी अमाउंट 20,000 हम फिलअप कर देंगे। फिर कह रहा है कि फिर यहाँ पे न्यू डेबिट, और डेबिट किसको करेंगे, परचेज लोकल को करेंगे, उसका अमाउंट यहाँ पे भर देंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया है। अब देखिए सेकंड ट्रांजेक्शन यहाँ पे कह रहा है, अब सेकंड ट्रांजेक्शन ध्यान से समझिए, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को परचेज गुड्स
फॉर आरएस 30,000 ऑन कैश और फ्रॉम रमेश ट्रेडर्स। मतलब ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स खरीदा गया कितने रुपए से, 30,000 रुपए से, और कैश से, और किससे खरीदा जा रहा है, रमेश ट्रेडर से, और जिसका एड्रेस दिया है ट्रांसपोर्ट नगर पटरोना कुशीनगर, और इसका जीएसटी नंबर भी दिया है 09APMPB1231 और विथ इनवॉइस नंबर 0। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 परचेज गुड्स फॉर आरएस 30,000 ऑन कैश फ्रॉम रमेश ट्रेडर्स, यानी कि रमेश ट्रेडर से 30,000 रुपए से नगद कैश से क्या किया जा रहा है, सामान खरीदा जा रहा है, कुछ गुड्स खरीदा जा रहा है, तो बेचने वाला कौन हो गया, रमेश ट्रेडर्स, और रमेश ट्रेडर्स ही बेच रहा है, और क्या कर रहे हैं, तो परचेज कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो इसमें हम क्रिएट कर लेंगे किसका, एक रमेश ट्रेडर्स का अकाउंट और एक हमारा हो जाएगा परचेज, लेकिन रमेश ट्रेडर्स का अमाउंट ऑलरेडी पहले से आपने क्या किया है, भरा है, देख लेना, वहां पे देखना पड़ेगा आपको। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं, तो सबसे पहले रमेश का क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, और हमारे ये बिजनेस का सप्लायर है तो अंडर में क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। और फिर कह रहा है यहाँ पे, इसके लिए कह रहा है कि गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, बाउचर में जाएंगे, परचेज बाउचर लेंगे, और कंट्रोल प्लस यच से क्या करेंगे, मोड को चेंज कर लेंगे। ये नीचे वाली प्रोसेस है, लेकिन ऊपर के लिए क्या, एज ए बाउचर मोड में ही इसकी एंट्री होगी। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे आ जाएंगे, बाउचर में आ जाएंगे। अब इसमें पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो कितना दिया है, 02, और किससे परचेज किया जा रहा है, रमेश ट्रेडर्स से, तो क्रेडिट में हो जाएगा ना रमेश ट्रेडर्स, तो नहीं बना है तो अल्ट सी से बना लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, रमेश ट्रेडर्स, और इसमें अंडर में क्या हो जाएगा, सप्लायर है तो सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर ले लेंगे। अब इसका एड्रेस पूछ रहा है, तो एड्रेस कहाँ है, ट्रांसपोर्ट नगर पटरोना, ट्रांसपोर्ट नगर पटरौना, और यहाँ पे ले लेंगे कुशीनगर, और देखिए इसका जीएसटी नंबर भी दिया है, यहाँ पे आकर के इसका जीएसटी नंबर भी भरेंगे 09APMPB1231M1ZD, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब पूछ रहा है कितने रुपए से खरीदा जा रहा है, 30,000 रुपए से, अभी करंट बैलेंस में कुछ बता रहा है, क्योंकि अभी मैंने लेजर तैयार किया और इसके पहले इस लेजर को मैंने बनाया नहीं था, इसलिए करंट बैलेंस में 0 है, और जैसे ही हम यहाँ पे 30,000 भरेंगे, देखिए अमाउंट करंट बैलेंस में शो करने लगा। इसमें क्या लेना है, न्यू रिफरेंस लेना है, अभी हम नया रिफरेंस दे रहे हैं, नया बिल है ये, नए बिल से एंट्री हो रही है, इसमें न्यू रिफरेंस ही लेना है, और 02 ले लेना और एक्सेप्ट करना, और यहाँ पे सेकंड लेजर हो जाएगा परचेज। अब देखिए परचेज मैंने इसके पहले कितने रुपए से किया था, 20,000 रुपए से मैंने किया था ना, और 30,000 और इसमें आकर के जुड़ गया, तो 30 और 20 50 रुपए, बस यहाँ से हम एक्सेप्ट करा लेंगे। अब बताइए रमेश ट्रेडर्स में अब एक भी बैलेंस बचा रहेगा, अब इसके बाद से एंट्री करेंगे तो रमेश ट्रेडर्स में अमाउंट 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना से मैंने क्रेडिट किया उतना ही से मैंने डेबिट कर दिया, बस इसको एक्सेप्ट करा ले, सेकंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है किसी को, कैश सही खरीदा जा रहा है, और पार्टी का नाम दे चुका है ना, इसलिए पार्टी का नाम हम भरेंगे वहां। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, इसमें कोई और ट्रांजेक्शन दिया है, नहीं दिया है। अब चलिए अब इसको भी हम समझा देते हैं, टाइम अभी है, आइटम इनवॉइस मोड को समझा देते हैं, आइटम इनवॉइस मोड क्या होता है, देखिए इसके बारे में दिया हुआ, अभी तक तो मैंने आपको किसके बारे में बताया, एज ए बाउचर मोड के बारे में, एज ए बाउचर मोड में ये बताया गया कि अगर गुड्स का नाम हमको ना पता हो तो इस केस में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं किसमें, एज ए बाउचर मोड में, और परचेज बाउचर ओपन करते हैं और कंट्रोल प्लस एच बटन दबा करके उसमें एज बाउचर मोड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अब किस मोड में एंट्री करना है, आइटम इनवॉइस मोड। देखिए आइटम इनवॉइस मोड के बारे में बता रहे हैं, कह रहा है कि इस मोड में हमें इन्वेंटरी डिटेल्स जैसे स्टॉक आइटम का नाम, क्वांटिटी, रेट आदि इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, और बाउचर मोड से आइटम इनवॉइस मोड में जाने के लिए पुनः कंट्रोल प्लस एच बटन प्रेस करना होता है,
अभी तक तो मैंने आपको ये सिखाया कि जब आइटम का नाम ही ना पता हो तो उस केस में परचेज गुड्स या परचेज लोकल बनाएंगे और इसके लिए एज ए बाउचर मोड का हेल्प लेंगे। लेकिन अब हमारे सामने कंडीशन आता है कि सर अगर आइटम भी दिया हो, उसकी क्वांटिटी भी दिया हो और उसकी रेट भी दिया हो, तब हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए आइटम इनवॉइस मोड का हेल्प लेंगे। क्या हेल्प लेंगे? आइटम इनवॉइस मोड का हेल्प लेंगे। और सेम प्रोसेस है, बस आप चले जाइए गेटवे ऑफ टैली पे और बाउचर पे चले जाइए और F9 बटन प्रेस करके परचेज बाउचर ओपन कर लीजिए और कंट्रोल प्लस H दबाएंगे तो वहीं लिखा हुआ आ जाएगा आइटम इनवॉइस मोड, उसी को सेलेक्ट कर लीजिए। दोनों कंडीशन समझ में आ रही है ना? अब ये नहीं कि आइटम को रख दीजिएगा एज ए बाउचर में और एज ए बाउचर को रख दीजिएगा आइटम में, तब ट्रांजेक्शन गलत हो जाएगा, दोनों की कंडीशन अलग अलग। अब देखिए इसमें जैसे लिखा हुआ है, इस मोड में हम इन्वेंट्री जैसे डिटेल जैसे स्टॉक आइटम का नाम दिया हो, क्वांटिटी दिया हो, रेट दिया हो, अमाउंट आदि इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं और बाउचर मोड से आइटम इनवॉइस मोड में जाने के लिए पुनः कंट्रोल के साथ एच बटन प्रेस करना होता है। और इसी के बेस पे एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम द रमेश ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट विथ इनवॉइस नंबर 21 गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस। यहाँ पे ध्यान से समझिए बात, नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि कह रहा है कि परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम द रमेश ट्रेडर्स, कह रहा है कि कुछ गुड्स खरीदा गया और किससे? रमेश ट्रेडर से खरीदा गया और कह रहा है कि ऑन क्रेडिट, और ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार, उधार के बेस पे खरीदा गया। और कह रहा है कि जिसका इनवॉइस नंबर 21 था और गुड्स को स्टोर किया गया कहाँ पे? वेयर हाउस। अब मैंने आपको बताया है कि परचेज बाउचर में अगर पार्टी का नाम नहीं दिया होता, जैसे मैंने दो कंडीशन आपको बताया, अगर परचेज किया जाएगा जैसे गुड्स परचेज किया जाएगा तो परचेज गुड्स लिखेंगे, अगर नगद किया जाएगा तो परचेज कैश हो जाएगा, अगर उधार के बेस पे परचेज किया जाता है तो उस केस में पार्टी का नाम लिखा जाता है। मैंने आपको बताया जैसे मान के चलिए कि अगर उधार हम खरीद रहे हैं तो उस पार्टी का नाम मेंशन करेंगे ना, तो इसमें लिख रहा कि परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम द रमेश ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट विद इनवॉइस नंबर 21 गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस, यानी कि कुछ स्टॉक आइटम खरीदा गया किसके माध्यम से? रमेश ट्रेडर्स के माध्यम से और वो भी उधार के बेस पे। और स्टॉक आइटम का नाम क्या क्या है? तो इसमें लिखा है सैमसंग गैलेक्सी है नोट 10 प्लस, एक प्रकार का स्मार्टफोन है और ये कितना कितना पीस? 2 पीस खरीदा गया जिसका रेट दिया है 21,000। और फिर कह रहा है कि सोनी MDR XB450 खरीदा गया 3 पीस और इसका रेट दिया हुआ है 1200, लेकिन इसमें हम कैसे लगाएंगे? और इसमें देखिए इसकी सॉल्यूशन जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले इसमें सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का भी प्रयोग करेंगे। इसमें जो है लोकल परचेज हो रहा है ना, तो जब लोकल परचेज होगा तो इसमें सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का लेजर भी हम बनाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, जैसे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स कब लगता है? जब लोकल परचेज किया जाता है, तो रमेश ट्रेडर्स लोकल का ही है। इसमें लिखा हुआ है देखिए, सबसे पहले लेजर क्रिएट करेंगे किसका किसका, तो सेंट्रल टैक्स का और स्टेट टैक्स का। तो सेंट्रल टैक्स में अंडर में क्या हो जाएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेज हो जाएगा, और अंडर में GST और फिर अंडर में क्या ले लेंगे? सेंट्रल टैक्स ले लेंगे। इसी तरीके से स्टेट का भी बनाएंगे, स्टेट टैक्स हो जाएगा, अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेज हो जाएगा और बाउचर टाइप में GST हो जाएगा और टैक्स टाइप में स्टेट टैक्स हो जाएगा। ये जब दोनों लेजर कंप्लीट करेंगे तब जाकर के यहाँ से इसकी एंट्री हम स्टार्ट करेंगे। और किस मोड में? आइटम इनवॉइस मोड। तो चलिए इसको हम बताते हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है? बैक आना है, पहले बैक आ जाइए और यहाँ पे आना है सबसे पहले क्रिएट पे आना है और यहाँ से आ जाना है लेजर पे। अब लेजर क्रिएट करना है किसका? CGST, जिसको हम सेंट्रल टैक्स के नाम से जानते हैं। सेंट्रल पूरा लिख दे रहे हैं, ठीक है, CGST लिख दे। चलिए CGST लिख दे, CGST ये किसके अंतर्गत आएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेज के अंतर्गत, क्योंकि एक प्रकार का ये टैक्स है तो ड्यूटीज एंड टैक्सेज को सिलेक्शन करेंगे। अब इसमें ले लेना है आपको GST और इसमें ले लेना है, सी का मतलब सेंट्रल होता है ना, इसमें सेंट्रल टैक्स ले लेना और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देना। इसी तरीके से नहीं कुछ नहीं, इसी तरीके से SGST यहाँ पे बढ़ गए SGST और यहाँ पर भी ड्यूटीज एंड टैक्सेज हो जाएगा और यहाँ पे अदर्स को हटा करके GST ले लेंगे और इसमें आपको ले लेना स्टेट टैक्स, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा।
नहीं आई जीएसटी का जब पूछा तो बनाएंगे, अभी सी जीएसटी या जीएसटी का अभी समझिए आप, हो जाएगा। अब चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजेक्शन सॉल्व करते हैं। आप ट्रांजेक्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि परचेज द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम द रमेश ट्रेडर्स। तो रमेश ट्रेडर्स हमारे बिजनेस का क्या है, सप्लायर है, उससे कुछ गुड्स खरीदा जा रहा है, जिस गुड्स का नाम यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया। तो चलिए पार्टी अकाउंट नेम, और यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है इनवॉइस नंबर, तो 21 है। बैक आते हैं सबसे पहले यहाँ पे वाउचर पे आ जाएंगे यहाँ से, और क्या दबाएंगे, कंट्रोल प्लस या एच दबा देंगे, और इसमें ले लेंगे आइटम इनवॉइस में और एंटर बटन प्रेस करेंगे। ये आइटम इनवॉइस मोड में एंट्री हो रही है, और देखिए इसमें पूछ रहा है इनवॉइस नंबर क्या है, 21। एंटर करेंगे, पूछ रहा है कि किस पार्टी से परचेज किया जा रहा है, तो रमेश ट्रेडर्स को सिलेक्शन करेंगे, रमेश ट्रेडर्स कंट्रोल। अब चूंकि लोकल है, अरे सी जीएसटी या जीएसटी लगा है तो लोकल ही है ना, तो लोकल को सिलेक्शन करेंगे। अब पूछ रहा है कि अब अमाउंट आप बताइए कौन कौन सा आइटम खरीदा जा रहा है, तो देखिए इसमें आइटम का नाम लिखा हुआ सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, देख ले रहे हैं यहाँ पे बना होना चाहिए सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, एंटर करिए। गोडाउन पूछ रहा है कहाँ से खरीदा जा रहा है, वेयर हाउस, इसमें ले लेंगे वेयर हाउस। अब पूछ रहा है क्वांटिटी, हाँ हाँ तो वेयर हाउस लोकेशन ही होगा ना, लोकेशन को ही बोलते हैं वेयर हाउस। अब बताइए क्वांटिटी कितना पीस खरीदा जा रहा है, 2 पीस, और रेट कितना दिया है, 21,000, बस इसको एक्सेप्ट करो। फिर सेकंड आइटम यही पे एंटर करके नीचे आइएगा तो लिखिएगा, सेकंड आइटम में क्या लिखा हुआ है, सोनी एमडीआर ले लेंगे, इसमें भी ले लेंगे वेयर हाउस, कितना पीस, 3 पीस, रेट इसमें एक चीज देखिएगा, इसमें जो है 1200 रुपया बताया है ना, लेकिन इसमें एंट्री करते समय, इसमें ध्यान से देखिए एंट्री करते समय यहाँ पे 1000 ले लिया गया है, तो एक काम करिएगा आप लोग, इस 1200 को काट करके बस आप 1000 भर लीजिएगा, ताकि आपका अमाउंट सही आ जाए, इस 1200 को काट के बस 1000 भर लीजिएगा, नहीं तो गलत आएगा तो फिर दिक्कत होगी। सर पीछे स्टॉक में 1200 निकाला है, 1200 नहीं 1000 पड़ा हुआ है, देखिए 1000 पड़ा हुआ है, ऑटोमेटिक ये उठा रहा, जब हमने स्टॉक आइटम क्रिएट करना बताया था उस केस में एक पीस का रेट मैंने 1000 बताया, 1000 है ना, तो 1200 को काट के 1000 भर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक पीस का रेट 1000 रुपया, तो 3 पीस का रेट 3000 रुपया, बस यहाँ से एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम एंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ पे एंटर करके नीचे आना है, अभी अमाउंट मैच कर लिया 45,000 रुपया, सही है, अरे 42,000 ये और प्लस 3,000 ये, 42 और 3 45। अब हमको क्या लगाना है, टैक्स लगाना है, तो टैक्स में सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा सी जी एस टी, देखिए कितना आया, 40,50, 4,050 आया है। फिर यहाँ पे मैंने ले लिया एस जी एस टी, ये भी 40,50, यानी कि दोनों हमारा टैक्स सही आया और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर, पहली ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट। किसी को कोई दिक्कत, देखिए इसमें भी ट्रांजेक्शन में भी देखिए, जैसे यहाँ पे 1000 के बेस पे यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ है, अमाउंट आया है 45,000 रुपया, और सी जी एस टी या जीएसटी सब आया है, सी जी एस टी में 40,50 आया है और स्टेट टैक्स में भी 40,50 आया है, यानी कि 4,050 रुपया हम क्या कर रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, 4,050 सी जी एस टी और 4,050 स्टेट जीएसटी, हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, यही तक रहने देखिए और बता दे, इतना ही तो करिएगा आप लोग, ठीक है, इतना ही तो करिएगा, और इसके बेस पे अपने तरफ से और भी क्वेश्चन बना करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज हमने बस बताया एज ए वाउचर मोड और एज ए अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, मात्र 2 मोड मैंने पढ़ाया, उसकी एंट्री आप करिएगा।